ये गलती हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं और फिर उसे भुगतते भी हैं कि वो अपने मोहसिन ही की जड़ काटने में लग जाते हैं। मुझे याद है उमेर, मैंने जब अपनी फैक्ट्री के लिए जगह ली तो उस वक्त वहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं थी, तो एक पुराना सा कदीम एक दरख्त लगा हुआ था उसके सेंटर में। मैंने अपनी टेबल कुर्सी वहीं रखी, वर्क स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री बनने लगी, मेरा ऑफिस भी तैयार हो गया। जब ऑफिस सारा तैयार हो गया तो वो जो इंजीनियर थे वो कहने लगे, सर इस दरख्त का क्या करना है, अब इसको काटना पड़ेगा। तो मैंने पलट के जब उस दरख्त को देखा तो मुझे याद आया कि यार ये तो वही दरख्त है कि जब यहाँ पे मेरे लिए कोई जगह नहीं थी तो इसने मुझे साया दिया, जगह दी। फिर इतफाक ये कि जब मैं वहाँ बैठने लगा तो वो दरख्त सूखा हुआ था, लेकिन रोजाना जब हम वहाँ बैठते तो पानी वगैरह उसकी जड़ों में डालते रहे तो वो हरा भरा हो गया। वाह वाह, क्या कहना। और जब मैं फैक्ट्री में इंटर होता तो मुझे लगता कि वो दरख्त मुझे वेलकम कर रहा है, माशाल्लाह, मुझे देख कर मुस्कुरा रहा है। मैं उसको देख के मुस्कुराता था, हाथ हिलाता था, एक दोस्ती हो गई, उससे एक ताल्लुक हो गया। मैंने उनसे कहा, इंजीनियर से, मैंने कहा यार इस दरख्त को नहीं काटना, ये मेरा मोहसिन है, ये मेरा मोहसिन है, नहीं काटना। सर सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी, हल ढूंढो इसका, आप इंजीनियर हो, कोई हल निकालो इसका। मैंने कहा ना सिर्फ ये दरख्त रहेगा बल्कि इसके एतराफ में पूरा गार्डन बनाओ, इसकी पूरी फैमिली होगी। अब वजह क्या है कि कभी भी अपने मोहसिन की जड़ों को खोखला ना करें, ना काटें, हो सके तो आते जाते उसमें पानी डाल दें, कोई ना कोई उसके लिए दुआ कर दें, वो ख्वा आपके असातिज़ा हों, आपके वालिदैन हों, आपके वो टीचर्स, वो अहबाब जिनसे आपने कुछ ना कुछ लर्न किया है, सीखा है, कभी भी उनकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, तरक्की चाहते हैं तो कभी उनके साथ कोई कंपटीशन ना करें, उनसे मुकाबला ना करें, बस उनके लिए हमेशा दुआ करें। अगर कभी उन्होंने कोई डांट भी दिया, कोई ऐसी बात कर भी दी, दरगुजर करें, बस ये कामयाबी का नुस्खा है। आप रिस्पेक्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, आप अदब करें, आपका अदब किया जाएगा। वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त। आप अपने मोहसिन को जितना नवाजेंगे तो आपको उतना नवाज देगा। क्या बात, एक फार्मूला है, कामयाबी का नुस्खा है। लोग अक्सर पूछते हैं तस्लीम भाई बताएं, तो यही नुस्खे हैं भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कर भला हो भला।